इंतहा हो गई, मसीहाओं के दर पर भी मसीहाई ना मिली। टांगों से माजूर खातून खुले आसमान तले 8 रोज में अस्पताल के बाहर पड़ी रही। डॉक्टर्स को इलाज के लिए फुर्सत ना मिली, इंतजामिया देखते हुए अनजान बनी रही। डस्का की रिहायशी शाजिया बीबी की हादसे में टांगे टूट गई, बहन अस्पताल के बाहर छोड़कर चली गई। किसी ने कहा जी कहते फ्री इलाज होता माड़े बंदे का, तो आई तो एक दिन ने कहा था ने आने सा ना और मरीज ले आके पाने होंगे ने चल उठ निकले दो, कह रहे इसके पास कपड़े नहीं है, गंदी है, मुझे चला नहीं जाता। हादसे में टांगे टूट गई, मुआशरे ने नाता तोड़ लिया, आंखों में आंसू बेशुमार, जुबान पर शिकवे हजार। डॉक्टर और नर्सिस कहती हैं आपसे बदबू आती है, कपड़े गंदे हैं, आप इलाज की ख्वाहिश नहीं, कोई घर छोड़ आए शाजिया बीबी की दुहाई। खातून को ईदी होम भेजा था, आज फिर कोई अस्पताल के बाहर छोड़ गया। MS डॉक्टर ताहिर खलील। डॉलर महंगा होने के बाद आवाम के लिए कुछ रिलीफ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए की कमी का ऐलान। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। हुकूमत की सेंचुरी होने पर डॉलर का बाउंसर, एक ही रोज में डॉलर 8 रुपए महंगा, 4 घंटे रुपए की मार्केट में अथल पथल के बाद डॉलर का यू टर्न। मार्केट में तूफान उठने पर स्टेट बैंक की मुदाखलत, डॉलर 142 रुपए से जरा नीचे 138 रुपए तक आ गया। मार्केट में वक्ती तौर पर 138 रुपए पर फरोख्त होने लगा। पहले ना फिर हाँ, डॉलर महंगा करो IMF की शर्त पर हुकूमत ने हार मान ली। डॉलर की कीमत 145 से 150 रुपए तक होने का इम्कान। IMF ने रुपए की कदर 15% गिराने की शर्त रखी थी। मुआशी तजियाकारों की राय, डॉलर महंगा होने से अदायगियों का तवाजुन बिगड़ेगा। साबिक वाइस चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर मंजूर मलिक। मंडी खुलते ही डॉलर के वार, ताजर बरादरी परेशान, दरामदी बिल्स में इजाफे पर सर पकड़ लिए। दूध दही अंडे मुर्गी मजीद महंगी होने का खदशा, चाय की पत्ती दालें चावल बेसन आटा 4 से 5 रुपए महंगा होने का इम्कान। कीमतें बढ़ाने के लिए ताजरों का जिले इंतजामिया पर दबाव। पैम्पर टिश्यू पेपर साबुन सर्फ टूथपेस्ट महंगे होने का इम्कान। पैम्पर टिश्यू का पैकेट हेयर कलर्स महंगे करने की तजवीज। खवातीन की क्रीमें लोशन पाउडर साबुन की कीमतें बढ़ने का इम्कान। डॉलर का झटका महंगाई का बोझ आवाम पर, फजाई सफर भी महंगा। 1 दिसंबर से टिकट्स में 10 से 15% इजाफा। सऊदी अरब का किराया 65 से बढ़कर 75,000। यूरोप जाने वालों को 2 लाख रुपए अदा करना होंगे। चंद घंटों में सोना 2,800 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 66,000 रुपए तोला होगी। डॉलर की कीमत में इजाफा सबूत है कि हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। हुकूमत ने IMF से मुआयदा कर लिया, अवाम से झूठ बोला गया, हालात गवाही दे रहे हैं, अंडे मुर्गी की सरकार नहीं चलेगी। डॉलर की कदर बढ़ने पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। नून लीग ने पंजाब असेंबली में डॉलर की कीमत में इजाफे के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत पर कड़ी तंकीद, हुकूमत अपनी नाकामी और नाहली कबूल करे, श्री रहमान का बयान। चंद घंटे की बात, फिर डबल सवारी के लिए डबल हेलमेट। अहले खाना को घर से लेकर निकले तो हेलमेट का रखे खास ख्याल। कल से दूसरे सवार के लिए भी हेलमेट लाजमी करार। अनोखी पाबंदी पर खवातीन डाला, बच्चे संभालें या हेलमेट पकड़ें। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी, मर्द हजरात भी खवातीन के हामी। तो बहुत ही गलत बात है ना, इस तरह तो होना ही नहीं चाहिए, दिस इज नॉट नाइस। ये चीफ जस्टिस साहब को एक्शन लेना चाहिए, लेडीज हेलमेट पहन के कैसे अच्छी लगेगी। छोटा बच्चे ना चुके हुए माँ तो उनकी डरावनी लगेगी, माँ का हक नहीं बनता। डबल हेलमेट अलाउ हो रहा है यकम से, इसमें जेंट्स के लिए तो ठीक है, जेंट्स इजीली पहन सकते हैं। जो लेडीज होती हैं साथ बच्चे गोद में उठाए होते हैं, उनको बच्चा संभालना मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है कि लेडी के साथ बच्चों को भी पहनाने चाहिए,
अगर लेडीज को पहनाने हैं तो फिर बच्चों को भी पहनाना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फासले कम होने लगे। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के बड़ों की बैठक। वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। कायमा कमेटीज का मुस्तकबिल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से मशरूत। हुकूमत ने अपोजिशन को जवाब देने के लिए एक दिन की मोहलत मांग ली। अपोजिशन को कमेटियों की चेयरमैनशिप देनी है या नहीं, फैसला कल तक मौखर। नई सरकार, पिछले मंसूबे बेकार। गुज़श्ता हुकूमत का एक्सप्रेसवे मंसूबा ठप। 5.82 अरब रुपए जाया हो गए। एफआईए में अफसरों की कमी। अहम सर्कल्स में तैनातियां ना हुई। डिप्टी डायरेक्टर एडमिन और बैंकिंग सर्कल के ओहदे खाली। डायरेक्टर एफआईए ने अहम सर्कल्स का चार्ज बगैर नोटिफिकेशन दूसरे अफसरान को दे दिया। सब्जाजार बी ब्लॉक में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। गैर कानूनी जुमा बाजार लिपेट दिया। शामियाने जब्त। 25 स्टॉल्स 30 रेड़ियां भी कब्जे में ले ली। सर्विसेज अस्पताल में खातून मरीजा से ज्यादती का इल्जाम झूठा करार। साख मुतासिर हो रही है। यंग डॉक्टर्स सड़कों पर। जेल रोड पर एहतजाजी रैली। नारेबाजी। डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा खत्म करने का मुतालिबा। इंक्वायरी कमेटी ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। यंग डॉक्टर्स की बैरून मुल्क बहुत मांग है। इल्जामात से साख मुतासिर होती है। प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर महमूद अयाज और यंग डॉक्टर्स की गुफ्तगू। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मुतालिक हुकूमती वादे पूरे नहीं हुए। उम्मीद थी अदालती मोहलत के दौरान तमाम 26 इंसिजिटर्स फाल हो जाएंगे। महकमे नाकामी का बदला एक दूसरे पर डालते नजर आए। अस्पतालों में इंसिजिटर्स और